तमाम तमाम। आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ही झंडे हैं हर तरफ, और इन झंडों के दरमियान में आपको नजर आ रहे होंगे शेर अफजल मरवत। जिस तरफ देखेंगे आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। इस्लामाबाद की सड़कों पर दफा 144 के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए। शेर अफजल मरवत की बात इस टाइम कोई नहीं सुन रहा, तो गुस्सा चढ़ा हुआ है उन्हें। कमिश्नर ने कहा है वो सच है, उसने सिर्फ एक रावलपिंडी के एक चीफ कमिश्नर ने कहा है, बाकी तमाम शहरों और जिलों में यही हालत है। हर डिवीजन में बिलाखिर सच सामने आना शुरू हो जाएगा, और जो डकैती के जरिए हमारी सीटें उन्होंने हासिल की हैं वो सारी की सारी वापस होंगी इंशाल्लाह जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी एविडेंस है, सबसे बड़ी एविडेंस है, सबसे बड़ी एविडेंस जी। शोएब शाहीन का आपने सुना कि उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को कहा है कि हम उसको लीगल प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है, और ये बयान जो है ये गैर मामूली है, और ये उनके जो उनका जो स्टांस है उसकी तस्दीक करता है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। कमिश्नर ने कहा है वो सच है, उसने सिर्फ एक रावलपिंडी के एक चीफ कमिश्नर ने कहा है, बाकी तमाम शहरों और जिलों में यही हालत है हर डिवीजन में। बिलाखिर सच सामने आना शुरू हो जाएगा, और जो डकैती के जरिए हमारी सीटें उन्होंने हासिल की हैं वो सारी की सारी वापस होंगी इंशाल्लाह जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी एविडेंस है, सबसे बड़ी एविडेंस है, सबसे बड़ी एविडेंस जी। शोएब शाहीन का आपने सुना कि उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को कहा है कि हम उसको लीगल प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है, और ये बयान जो है ये गैर मामूली है, और ये उनके जो उनका जो स्टांस है उसकी तस्दीक करता है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है।